तुम्हारा बेटा 25 साल का देश की लोकसभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और अभय सिंह चौटाला ने पहुंचा दिया और एक बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और जिस परिवार की महिलाएं कभी दलहीज से बाहर कदम नहीं रखती थी, आपको हरियाणा की विधानसभा का सदस्य बना दिया। उन्होंने फिर कहा कि न्याय दिलाओ। क्या न्याय दिलाएं? हमने तो हरियाणा प्रदेश की जनता से कह दिया कि बदलाव आएगा, देश में प्रधानमंत्री तो बहन मायावती बनेगी और हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला होगा। हमने कहा कि आप न्याय क्या चाहती हैं? कि इससे पहले चुनाव आए तो मेरे बेटे को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करो। हमने कहा कि गांव तो बचा भी नहीं, मंगते पहले ही फिर गए। पहले 46 तो बनाओ, उसके बाद में हम तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो शुरू से बचपन जवानी और आज के ये सारे दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में कटे हैं। हमारे दिल से तो उनकी आवाज निकलती है। साथियों, जिस प्रकार के हालात हुए आपके सामने हैं कि ये सब लोग षड्यंत्र का शिकार हो गए होंगे बेशक से, परंतु तुम जिस प्रकार से खड़े हो, मैं ये मान के चलता हूँ इस हरे भरे झंडे को आपने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से जान से प्यारा रखा है, तो अभय सिंह चौटाला जी, अशोक अरोड़ा जी, आप कह भी देना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कि आपके रास्ते में जिस प्रकार से कांटे बिछाए गए हैं चंडीगढ़ जाने के, दिल्ली जाने के, सत्ता हासिल करने के, ये कांटे सारे के सारे ये कार्यकर्ता अपनी आंखों के पलकों से चुप करके आपके लिए रास्ता बनाने का काम करेंगे। और आप सतलुज जमुना लिंक नहर की हरियाणा प्रदेश के किसानों की, दादू प्रणवी नहर की लड़ाई आप हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ो, तो ये सारा हरियाणा आपके साथ है।